हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज में। आज हम यहाँ पर कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है। हमने यहाँ से 16 क्वेश्चन तक हमने यहाँ पर कवर कर लिए थे। 16 से 17 पर आ गए थे और 17 को हमने नहीं किया था। आज हम जो 17 जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। देखिए, जो 17 क्वेश्चन है इसको आप एक बार देखिए ध्यान से। इसके अंदर क्या पूछा गया है? इसके अंदर पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू हेक्सरोलिन थ्योरम। कल मैंने आपको बता दिया हेक्सरोलिन थ्योरम क्या कहती है। पहले ये देखिए, एचओ जो थ्योरम है वो आपको ये बताती है कि जो कंट्री जिस फैक्टर में अबेंडेंस होगा, यानी कि जिस साधन की प्रचुरता होगी जिस देश में, वो उसी फैक्टर का यूज करके प्रोडक्शन करेगा। अगर उसके पास लेबर ज़्यादा तो लेबर का यूज करेगा, और कैपिटल ज़्यादा तो कैपिटल का। यानी कि जिसके पास लेबर ज़्यादा है कैपिटल से, वो कैपिटल लेबर अबेंडेंट कहलाएगा। अगर इसका उल्टा कर दे कि कैपिटल ज़्यादा और लेबर कम है, ठीक है, तो ये कैपिटल अबेंडेंट कहलाएगा। जो चीज़ अबेंडेंट में है जो देश, दूसरी में वो क्या होगा, स्कार्स में होगा। यानी कि एक चीज़ अगर उसके पास प्रचुर मात्रा में है तो दूसरी की उसके पास कमी होगी। तो अगर ये लेबर अबेंडेंट है तो कैपिटल स्कार्स है, या अगर कैपिटल अबेंडेंस है तो जो है ना लेबर स्कार्स है। ठीक, ये है क्वांटिटी। इसने दो क्राइटेरिया दिए थे, एक फिजिकल क्राइटेरिया दिया था, एक फिजिकल क्राइटेरिया, एक प्राइस क्राइटेरिया। ये फिजिकल क्राइटेरिया में तो कैपिटल लेबर रेशो की बात की जाती है, ठीक है ना, कैपिटल लेबर रेशो की। अगर किसी कंट्री में कैपिटल लेबर रेशो ज़्यादा है दूसरी कंट्री के कंपेयर में, ऐसे, ठीक है ना, अगर इस तरीके से है। यहाँ पर मान लेते कि कोई, ये ए कंट्री है ये बी, तो ये कंट्री कहलाएगी कैपिटल अबेंडेंट, ठीक है। अगर इसका हम उल्टा कर दें, अगर किसी कंट्री में मान लेते कि ऐसे है कि जो कैपिटल लेबर रेशो जो है लो है, तो वो क्या कहलाएगी, यानी कि कैपिटल स्कार्स कहलाएगी। दूसरा देखिए, यदि किसी कंट्री में ऐसा है लेबर कैपिटल रेशो ज़्यादा, लेबर कैपिटल रेशो ज़्यादा दूसरी कंट्री के कंपेयर में, तो ये क्या हो गई, लेबर ज़्यादा इसके पास, तो ये लेबर अबेंडेंस कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ पर, ये था फिजिकल क्राइटेरिया, प्राइस क्राइटेरिया की बात करें तो प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय कैपिटल, या फिर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि प्राइस कैपिटल डिवाइड बाय लेबर, ठीक है, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अब हम इस, मैं इसको बताऊंगी, यदि ऐसा है प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, ठीक है, अगर ये ऐसा इसका मूव इस साइड हो कि प्राइस ऑफ लेबर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, ये देखिए जिसकी साइड ये मुंह खुला होगा ना, यानी कि उसमें उसकी कीमत ज़्यादा है ऊपर वाले से आप देखोगे, ठीक है ना, और जिसकी साइड ये बंद है तो उसमें उस फैक्टर की कीमत कम है। तो ये जो मान लेते कि ए देश है और ये बी देश है, इसके अंदर क्या है कि लेबर की प्राइस ज़्यादा है, ठीक, इसमें लेबर के प्राइस कम है, तो इसका मतलब है कि जो ये बी देश है ना वो क्या है, श्रम की प्रचुरता है, यानी कि बी देश में क्या, श्रम की प्रचुरता, श्रम अधिक मात्रा में है। तो इसका मतलब क्या, श्रम अधिक मात्रा में क्यों, क्योंकि श्रम सस्ता है जब कीमत की फॉर्म में देखते हैं। तो इसको आप कैपिटल की देख सकते हो, कैपिटल का कैसे करोगे, प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर, ठीक है, अगर यहाँ पर प्राइस ऑफ लेबर कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ कैपिटल, ऐसे प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर, यहाँ पर देखोगे कि अगर ऐसा ही तो ये कंट्री उसमें अबेंडेंस होगा, जो भी लिखोगे यहाँ पर ए बी सी डी जो भी देश का नाम लिखोगे, तो इसका मतलब क्या कि इसमें कैपिटल सस्ता है और इसमें कैपिटल महंगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है इसमें क्या कमी है, इसमें ये कमी है कि यहाँ पर ये फर्स्ट जो है ए वाला कि प्राइस ऑफ लेबर, इन्होंने पूछा कि हेक्सरोलिन सिद्धांत में साधन कीमत संदर्भ में साधन प्रचुरता के कारण कब किसी देश को पूंजी प्रचुरी कैपिटल अबेंडेंस पूछा गया। जब कैपिटल अबेंडेंस की बात करेंगे तो ऐसा होगा, प्राइस की उसमें पूछ रहा है, क्या देखो साधन कीमत के उसमें, तो यहाँ पर लिखोगे आप प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर, ठीक है, तो प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ लेबर, ये इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब क्या, इस देश में ये सस्ता है क्योंकि इसमें कम प्राइस, इसमें ज़्यादा प्राइस है, तो ये इस तरीके का होना चाहिए। अब देखिए ये इसमें भी है ये चीज़, ये इसमें भी है, तो इसमें तो ये बी देश बता रखा है, या तो यहाँ पर बी देश का नाम लिया होता या ये देश का नाम लिया होता, तो दोनों ही एक जैसे हैं, तो यहाँ पर हम किसको बताएं, तो ये दोनों ही इसके आंसर ठीक होने चाहिए, ठीक है। तो आपने सिर्फ अपने कंसेप्ट के ऊपर जाना। उसके आगे चलिए, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि ऑप्टिमम टैरिफ क्या होता है।
जो ऑप्टिमम टैरिफ होता है ना, इसका मतलब होता है कि टैरिफ ऐसा है जहाँ पर कंट्री का जो वेलफेयर है ना वो मैक्सिमम है। ऑप्टिमम टैरिफ ऐसा होता है जहाँ पर कंट्री का वेलफेयर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसको ऑप्टिमम टैरिफ बोलते हैं। इस ऑप्टिमम टैरिफ के लिए हम ऑफर कर्व का यूज करते हैं। ये ए कंट्री का ऑफर कर्व और ये बी कंट्री का ऑफर कर्व है, ठीक है। जब ए कंट्री का ऑफर कर्व है ये बी कंट्री का, यदि ए कंट्री का हम पहले ये ले लेते हैं थोड़ा सा इस साइड, इस साइड ले लेते हैं, पहले मानते कि ये जब ए कंट्री इसके ऊपर टैरिफ लगाता है, ठीक है, और ये है उसका जो ट्रेड इन डिफरेंस करो, ये ट्रेड इन डिफरेंस करो, ठीक है, ट्रेड इन डिफरेंस करो, ट्रेड इन डिफरेंस करो है ये। अब देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जब ये टैरिफ लगाता है तो ये जो है ना ऑफर करो उसका इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, ए था ये ए वन हो जाएगा, ए वन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो उसका जो, जब ये ए वन हो जाएगा तो इसका जो ट्रेड ऑफर करो होगा ये यहाँ, ये थोड़ा अंदर से जाएगा इधर को। अब उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, सिर्फ मैं आपको इसको बताने की कोशिश करूँगी कि जो ऑप्टिमम टैरिफ होता है ना वो कहाँ पर होगा, ये ए कंट्री का है ये बी कंट्री का है, ठीक है। ये जिस यहाँ पर देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। मैं आपको बता रही हूँ कि द पॉइंट ऑफ ऑप्टिमम टैरिफ इज डिटरमाइंड वेयर द ट्रेड इन डिफरेंस ऑफ टैरिफ इम्पोजिंग होम कंट्री बिकम टेंजेंट टू द ऑफर कर्व ऑफ द फॉरेन कंट्री। इसका मतलब क्या है कि ट्रेड इन डिफरेंस करो तो उस कंट्री का जिसने टैरिफ लगा है, ठीक है ना, ये ट्रेड इन डिफरेंस करो है उस कंट्री का, जब दूसरे कंट्री के यानी कि जिसके ऊपर टैरिफ लगा है उसके ऑफर करो को टच करे। कहाँ पर, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर होगा जहाँ पर ट्रेड इन डिफरेंस करो तो दूसरी, मतलब उसी कंट्री का जिसने टैरिफ लगा है, और ऑफर करो उस कंट्री का जिसने के ऊपर टैरिफ लगा है। अगर यहाँ पर ये टेंजेंट करते जहाँ पर भी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम टैरिफ कहलाएगा, ठीक है ना। और जो ऑप्टिमम टैरिफ होता है उससे क्या होता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है ना आपकी सुधर जाती है, व्यापार की शर्तें जो हैं वो सुधर जाएंगी। क्यों होते, टैरिफ जब लगाया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, टैरिफ लगाया जाएगा तो इससे इम्पोर्ट्स जो है ना, इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे आपके, सस्ते महंगे हो जाएंगे, ठीक है ना, और जो इम्पोर्ट्स जो है ना वो महंगे हो जाएंगे, ठीक है ना, कि जो मंगवाते हो। और इसकी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, ठीक है, जो प्राइस व्यापार की शर्तों में क्या होगा, सुधार हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि जो हम मंगवा रहे हैं अब उसको हम कम मंगवाएंगे, या इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पर क्या था, क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ से कम मंगवाएंगे टैरिफ लगने के कारण, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब बात करते हैं हम वित्त आयोग की, फाइनेंस कमीशन। जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन कौन करता है, अब देखिए जो फाइनेंस कमीशन है इसका गठन करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, इसका गठन करता है। 19वें क्वेश्चन का, कि जो राष्ट्रपति होता है या जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, जो फाइनेंस कमीशन है उसका गठन करता है। इसको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है, अब तक कितने फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं, 15 में, 15 फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं। 15 में जो फाइनेंस कमीशन है इसके जो अध्यक्ष वो कौन है, एन के सिंह है, एन के सिंह, एन के सिंह, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि इससे पहले अगर देखोगे ना, जो सेंटर से स्टेट को जाता था ना, सेंटर से स्टेट को, जो 14वां फाइनेंस कमीशन था वो जो था, शेयर जो सेंटर से स्टेट को दिया जाता था, जो हिस्सेदारी थी, अब उसमें पहले थी 42 14वें के अकॉर्डिंग, अब 15वें ने इसको 41 कर दिया, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। जो 15वां वित्त आयोग आया है, उसके बाद आप देखोगे इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 20वां जो क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री का विचार था कि, यानी कौन सा वो इकोनॉमिक्स था कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते, यानी कौन सा वो इकोनॉमिक्स है
जिसने ये विचार दिया कि बैंक दर में परिवर्तन, यानी कि अगर बैंक रेट में चेंज होता, बैंक दर में परिवर्तन, परिवर्तन ब्याज के अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से, देखिए जो वर्किंग कैपिटल होती है ना उसके माध्यम से इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव डालते। ये देखिए जो हॉटरे है ना, ये ट्रेड साइकिल से रिलेटेड है, उन्होंने यहाँ पर यह बात बोली है, ठीक है। तो हॉटरे ने, हॉटरे जो है उन्होंने इसके बारे में बात की है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की वित्त व्यवस्था, यानी कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारा फेडरल फाइनेंशियल सिस्टम, जो फेडरल या संघीय वित्त व्यवस्था का मतलब होता है, जिसके अंतर्गत आय और व्यय की संपूर्ण मदों को केंद्रीय या संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों की लोकल बॉडीज के बीच बांट दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आय और व्यय की जितनी भी आइटम्स हैं, ठीक है ना, उसको सेंटर में, स्टेट में या फिर जो लोकल होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनके काम को बांट दिया जाता है। इसके अंतर्गत तीनों इकाइयों को अपने अपने क्षेत्र में आय प्राप्त करने और व्यय करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। देखो सेंटर के अपना काम है, ठीक है ना, कौन से क्षेत्र में काम करेगा, स्टेट कौन से में करेगा, जो लोकल बॉडीज होती हैं वो कहाँ पर काम करेगी, सबको आय अर्न करने की और एक्सपेंडिचर करने की स्वतंत्रता, फेडरल जो फाइनेंस सिस्टम है, ठीक है ना। वैसे दूसरी बात आप बताओगे कहाँ पर स्वतंत्रता, ठीक है ना, लेकिन है यही होता फेडरल का, और इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है। अब देखिए जब हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी ऑफ मनी की, तटस्थ मुद्रा, तो तटस्थ मुद्रा का जो आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हेक है, ठीक है ना, हेक है 1931 में इसी ने इसको एक तरीके से अच्छे तरीके से दिया था, किसको, न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को, लेकिन इससे पहले क्या है, विकसित है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर न्यूट्रलिटी या तटस्थ मुद्रा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ये क्लासिकल ने भी यूज किया है, इस न्यूट्रलिटी या तटस्थ मुद्रा का मतलब होता है कि जब ये जो होता है यहाँ पर जो सिस्टम होता है वो मॉनेटरी फैक्टर को तो इफेक्ट करता है, जैसे कि उत्पादन हो गया, ये इस तरीके से प्रोडक्शन हो गया या नेशनल इनकम हो गई, GDP हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, इन चीज़ों को प्रभावित नहीं करता। ये ध्यान रखें कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या करता है, एक तरीके से नॉमिनल फैक्टर को इफेक्ट करता है, क्या है, नॉमिनल जो फैक्टर होते हैं ना, नॉमिनल फैक्टर उनको प्रभावित करता है, लेकिन जो रियल फैक्टर उनको प्रभावित नहीं करता। रियल में क्या जाएगा, जैसे प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, GDP होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो द न्यूट्रलिटी ऑफ मनी थ्योरीज क्लेम्स दैट चेंज इन द मनी सप्लाई इफेक्ट द प्राइस ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड वेज बट नॉट ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब अगर मनी की सप्लाई बढ़ती है ना, तो मनी की सप्लाई बढ़ने से, देखिए क्लासिकल में आप पढ़ते तो हो कि इस तरीके से होता, ठीक है ना, यहाँ पर ये एग्रीगेट सप्लाई ये होती है, और फिर क्या होता है, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, मनी की सप्लाई बढ़ने के कारण से जो है ना एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिसके कारण से क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे, ठीक। जो वस्तु के प्राइस बढ़ते हैं तो उसके आगे फिर क्या होता है, जो लेबर होती है वेज की डिमांड करती है, लेकिन ये आउटपुट है ना, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, GDP, ये सारे क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नॉमिनल फैक्टर को इफेक्ट करते हैं, नॉमिनल फैक्टर का मतलब मनी की सप्लाई बढ़ने से प्राइस बढ़े, लेकिन रियल फैक्टर होते हैं GDP हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए आपकी निम्नलिखित में के सही कालक्रम को ज्ञात कीजिए। देख सबसे पहले क्या आता है, आप जानते हो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन आता है, ठीक है ना, तो नंबर एक ये, और जब नंबर एक ये आता है तो पहले तो आप इसको ऐसे ही देख लेना कि पहले तो यही हो जाएगा, फर्स्ट यही है। दूसरा देखिए कई बार क्या करते हैं कि परमानेंट लास्ट में दे देते हैं, और जो लाइफ साइकिल है उससे पहले दे देते हैं, किसी में कुछ पता, लेकिन यहाँ से क्लियर है कि पहले आपका केंज आएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद रिलेटिव, ये तो दो तो फिक्स है, पहले केंज आएगा फिर रिलेटिव आएगा, ठीक है ना, एक और तीन किसी में है ही नहीं, फिर आएगा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस और फिर आएगा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, ठीक है, तो इसको सीक्वेंस में आप लगा लोगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24, इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि जो ये RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, RCH जो सेकेंड जो स्टार्ट किया गया था वो एक अप्रैल 2006 को बोला गया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो आंसर आया था वो क्या आया था, 2005 आया था। तो इसको एक बार इसके बारे में आप पढ़ लीजिए कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, या फिर अगर मैं इसको एक बार इसको पूरे को निकाल कर देखती हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता आपको, ये बताता कि जब सीमांत उत्पादकता बढ़ता तो तब कुल उत्पादन, देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन जब बढ़ेगा
तो कुल उत्पादन बढ़ता है। देखिए कैसे, ये क्वेश्चन अभी मैंने यूट्यूब पर वीडियो में भी करवाया हुआ, तो वो करे कि जब टोटल उत्पादन, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता, पहले तो टीपी का बनाते हैं, ठीक है, ये होता टोटल प्रोडक्शन, ठीक, टोटल प्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तक ये इंक्रीज करता है एट ए इंक्रीजिंग रेट, ये इंक्रीज करता है एट ए इंक्रीजिंग रेट, ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होता है, ठीक है। अगर इस पॉइंट तक आप देखोगे तो यहाँ तक आ जाओ, इस पॉइंट तक जो है ना हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है ना बढ़ता है, ठीक है, उसके बाद जब इंक्रीज करता बट डिक्रीजिंग रेट, ये यहाँ तक, तो वहाँ के बाद क्या होता है कि हमारा इस पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है लेकिन पॉजिटिव रहता है। जब ये घटना शुरू हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ये इस चीज़ को दिखाएगा। और दूसरा आप देख रहे हो कि जो एवरेज प्रोडक्शन होता है, एवरेज प्रोडक्शन भी का भी देखा था कि आपने, सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज यहाँ तक जो है ना एवरेज प्रोडक्शन क्या करता है, बढ़ता है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जाकर मैक्सिमम होता है सेकेंड स्टेज में, ठीक है। तो वो सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखिए क्या है कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता, देखिए ये यहाँ तक बढ़ रहा है सिर्फ, तो कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, ये आंसर हो जाएगा, ये इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद आप देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है कि एक देश द्वारा आयात शुल्क लगाए जाने पर उस देश में उपभोक्ता की बचत क्या होगी। देखिए ये क्या क्या कह रहा है कि एक देश ने लगाया है इम्पोर्ट टैरिफ, ठीक है, इम्पोर्ट के ऊपर जब टैरिफ लगाओगे तो कंज्यूमर की जो बचत है वो घट जाएगी क्योंकि उसका ज़्यादा खर्चा होगा। अब दूसरा है कि MPC क्या 0.5 है, तो मल्टीप्लायर बताओ क्या होगा। K का फॉर्मूला क्या होता है, K=1/1 MPC, ये होता है ना, K=1/1 MPC या 1/MPS, ऐसे भी कर, 1/MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखिए ये क्या लिखी हुई है, 0.5 है, तो 1/1 - 0.5, ठीक है ना, 0.5, तो एक में से 0.5 जाएगा तो 0.5 बच जाएगा, 1/0.5। इस पॉइंट की जगह आप क्या करोगे, एक पॉइंट के बाद तो ऊपर क्या करोगे, जीरो लगा दोगे, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो कितना होगा, 10/5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5×2=10, ठीक है, तो 5×2=10, तो इसका मतलब आ जाएगा उत्तर डी। उसके बाद आप देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन विकास बैंक का, ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है मनीला के अंदर, ठीक है ना, आप देख रहे हो ना कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला के अंदर, मनीला में है। इसकी थोड़ी बहुत एक बार बता देती हूँ आपको थोड़ा सा बेसिक, कि जो एशियन विकास डेवलपमेंट बैंक है इसको स्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है, तब इसको स्टेब्लिश किया गया था। दूसरा देखिए यहाँ पर कि इसके जो अध्यक्ष हैं ना फिलहाल जो एशियन ADB की, वो हैं मा से ते सुख, ठीक है, और इनका आगे नाम है असाकावा, असाकावा, ऐसा का। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी, इसका हेडक्वार्टर मनीला में, इसके जो मेंबर कंट्री हैं, मेंबर जो कंट्रीज हैं वो हैं 67, इन 67 में से 48 जो है ना एशिया प्रशांत क्षेत्र से, इन 67 में से जो 48 है ना वो एशिया प्रशांत क्षेत्र से है, एशिया से, ठीक है ना, एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो देश पड़ते हैं ना उनमें से है, ये ध्यान रखिएगा। प्रशांत है ये यहाँ पर, यहाँ लिख देते हैं प्रशांत क्षेत्र, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलिए कि नाबार्ड जो है ना, नाबार्ड, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसको स्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसको स्टेब्लिश किया गया, 1982 को। इसकी जो कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर, सिवारमन कमेटी है, ठीक है ना। कौन सी कमेटी? सिवारमन। उसके बाद आप देखिए कि जो इसका हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड आउट द एस्टिमेशन ऑफ मोड, मोड को फाइंड आउट करना। तो बस इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले में रख कर इसको आप निकाल दोगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला मोड निकालने का फॉर्मूला है। पहले तो इसको ऐसे देखिए, ये ऐसे होता है, मीन मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 3 और ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन, ठीक है ना। ये इस तरीके से होता माइनस मीडियन। ये इसको अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखोगे, मीन को लिख दोगे एक्स बार, इसको लिख दोगे जेड इक्वल टू 3 एक्स बार मीन माइनस मीडियन, ठीक है ना। शॉर्ट में याद रख सकते हो। तो मोड अगर निकालते हो ना इससे, ये निकालना पड़े, तो ये क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा जेड यानी कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे ना, ये 3 एक्स बार जो है ना, 3 मीन में से 1 मीन कट जाएगा तो 2 मीन रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आगे, ये आ जाएगा आपका मोड आपने निकालना। और ये माइनस है ना, माइनस है, इसको साइड लगाओगे तो प्लस का हो जाएगा, इसलिए आगे आ जाएगा माइनस वाला, आगे आ जाएगा प्लस। माइनस का जो है माइनस वाला हो प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का। तो इसको ऐसे हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है ना, जब इसको सही तरीके से लिखोगे आप। अब यहाँ पर ये एक्चुअली आ गया आपकी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉडर्न मीन मीडियन, मीन दे रखा है आपका, समांतर माध्य है ना, मीन दे रखा है आपका 12, इस एम की जगह 12 कीजिए और 3 मल्टीप्लाई में, और फिर माइनस में 2 और ये दे रखा है मीडियन 14, ठीक है। ये गुणा में है यहाँ पर, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। तो 12 3 36, 12 3 जा कितने होंगे 36, माइनस 28, ठीक है। तो अगर इसमें से आप माइनस करोगे, एक सेकेंड, 12, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड, नहीं देखिए यहाँ पर इसको फॉर्मूले को दोबारा एक बार लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है आपको कि जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसकी वैल्यू को ध्यान से रखना आपने, ये पहले वाला क्या है यहाँ पर, मीन है, तो इसलिए पहले वाले की वैल्यू इसके साथ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई 2, 2 है ना यहाँ पर। इधर देखिए 3 मल्टीप्लाई 12 गया ना यहाँ पर, मीडियन की वैल्यू कितनी है 14, तो ये आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 24, 42 में से अगर 24 जाएंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इन विच कमोडिटीज प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इन्फोर्स, जहाँ पर वर्जित किया जा सकता है, जहाँ पर उस चीज़ को कंज्यूम करने से रोका जा सकता है, तो वो कौन सी गुड्स होगी? वो होगी आपकी जो प्राइवेट गुड्स है या जो निजी वस्तु है, ठीक है, ये पब्लिक का क्वेश्चन है। उसके बाद हम चलते हैं 32 पर,
ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पेशेंस से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको क्या करता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखिए, यदि भोगता का उपयोगिता फलन दिया गया है, यूटिलिटी फंक्शन क्या है, एक्स वन एक्स टू, तो ये जो एक्स वन एक्स टू दे रखा है, तो यहाँ पर पहले हम निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वन, फिर हम निकालेंगे एक्स टू की। तो कैसे निकलेगा, इस फंक्शन को हम यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, तो ये ऐसे आएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ कि चेंजिंग यूटिलिटी और चेंजिंग एक्स वन, ठीक है? तो आप जब इसका करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स वन का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ किसका रह जाएगा, एक्स टू रह जाएगा। इसके उल्टे देखो, चेंजिंग यूटिलिटी नीचे करोगे चेंजिंग एक्स टू, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स वन रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है? ये इक्वल में है। अब उसके बाद देखिए, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ये वाले, जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसकी है, एक्स वन की है, ये वाली एक्स टू जो निकल कर आया है, जो ये एक्स टू निकल कर आया है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि एक्स टू जो है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है ना, और जो एक्स वन निकल कर आया था वो था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू, ये ध्यान रखिएगा। अब हमने निकालना है एम आर एस एक्स एंड वन, इसको नोट डाउन करते रहिएगा जैसे जैसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, वो मैं पेंसिल से नहीं काम कर रही, या पेन से, जो पेन का यूज होता है हाथ से, इसलिए इतना सफाई से नहीं लिखा जा रहा, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अब देखिए, हमें निकालना है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वन एक्स टू, ठीक है? अब ये देखिए क्या से निकलेगा, जैसे हमारे एक्स एंड वाई निकालते थे ना, ऐसे ही सेम करते, तो ये आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स वन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स टू, इस तरीके से एक्स टू। तो ये क्या निकल कर आया था, ये निकल कर आया था एक्स टू डिवाइड बाई एक्स वन, ठीक है? ये इस तरीके से निकल कर आया था। अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, ये आपकी जो बजट लाइन है, ठीक है ना, बजट कंस्ट्रेंट जो है, वैसे बजट लाइन इक्वेशन है ये, कंस्ट्रेंट जब तक रहती है, जब तक ये लेस देन ग्रेटर देन कुछ ऐसा साइन होगा, कैसे रहेगी अगर ये ऐसा होता, ठीक है, जब कंस्ट्रेंट होती है, अभी बजट लाइन इक्वेशन बनी हुई है वैसे, देखिए ये इस तरीके से आ गया। और अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या निकल कर आता है, स्लोप कुछ ऐसे होता है कि पी वन डिवाइड बाई पी टू, देखिए तो यहाँ पर कि एक्स टू, ये वाला वापस लिख रही हूँ, ये वाला यहाँ पर डिवाइड बाई एक्स वन, ये बजट लाइन इक्वेशन है, तो निकल कर आता ना जब उसका स्लोप, तो आएगा पी वन डिवाइड बाई पी टू, ठीक है ना, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने निकाल लिया। अब देखिए जो एक्स टू पी टू है, अगर आप देखिए अभी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो यहाँ पर आएगा क्या, इस तरीके से आ जाएगा एक्स टू, आप साथ के साथ में नोट डाउन करते रहोगे ना, तो आपके पास इक्वेशन रही रहेगी, पी टू इक्वल टू पी वन एक्स वन, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। अगर हम यहाँ पर एक्स टू की वैल्यू निकालते हैं, अब एक्स टू की वैल्यू निकालो तो किसके बराबर आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी पी वन डिवाइड बाई पी टू इंटू में एक्स वन, ये इस तरीके से आ जाएगी इंटू में एक्स वन। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, एक्स टू की जगह हम इसकी वैल्यू को रख देंगे, एक्स टू की जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे पी वन डिवाइड बाई पी टू इंटू में एक्स वन, ठीक। तो चलिए उस इक्वेशन में इसको हम रख देते हैं, इक्वेशन हमारे पास कि एम इक्वल टू पी वन और एक्स वन प्लस में पी टू और एक्स टू। अब हमारी एक्स टू की वैल्यू क्या निकल कर आई थी,
एक्सट्रैक्ट टू की वैल्यू निकल कर आई है हमारी, पी वन डिवाइड बाय पी टू, ये बार बार गलत होता है, पी वन डिवाइड बाय पी टू, पी टू इंटू एक्स वन। ठीक है, तो अब इसकी जगह अगर हम इस वैल्यू को रखते हैं, इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू को रखते हैं तो क्या होगा, इसको रखने के बाद पता चलेगा। अब रख दिया हमने कि पी वन इधर एम रहेगा, एक्स वन और प्लस में पी टू, एक्स टू की जगह ये रखोगे पी वन डिवाइड बाय पी टू और इनटू में एक्स वन। ठीक है ना, ये रख दिया हमने इसकी जगह, इसकी जगह हमने इस वैल्यू को रख दिया है। ठीक है ना, पी वन डिवाइड बाय पी टू। अब यहाँ पर देखिए, इस पी टू से ये पी टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का निशान है। ठीक है, तो इधर रहेगा क्या कि एम इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस में पी वन एक्स वन, ये रहेगा। ये एक्स वन भी दो है, पी वन भी दो है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम कि एम एम इक्वल टू दो लिख कर, क्योंकि दो है ना, और एक पी वन एक्स वन लिख देंगे, एक्स वन ऐसे। अब इसको देखिए, हमें यहाँ पर निकालना क्या उत्तर में क्या है कि m डिवाइड बाई, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम m डिवाइड बाई टू पी वन या टू पी स्केल कुछ ऐसा, यानी कि m के डिवाइड में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये x इस साइड रह जाएगा, ठीक है ना, और ये इसके नीचे आ जाएगा टू पी वन, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा ये, और इसके नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर ये है। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा भी जिस तरीके से मैंने सोल्व करवा करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। निकालना क्या था यहाँ पर कि द कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द कंज्यूमर यूटिलिटी, ये दे रखा है यूटिलिटी एंड बजट कंस्ट्रेंट, ये दे रखी है, ये कंजम्पशन फंक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये तो आपका कंजम्पशन फंक्शन उपभोक्ता का उपयोगिता फलन है, यूटिलिटी फंक्शन बोलोगे आप इसको, और ये बजट कंस्ट्रेंट है। इक्विलिब्रियम की बात की थी, तो हमने क्या किया, पहले इसकी मार्जिनलिटी निकल, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला, उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आई सिर्फ वो इसी के बेस में पुट कर दी, पुट करने के बाद जो निकल कर आया वो हमें देख लिया। उसके बाद हम करते कि केन्ज ने जेबीसी के किस नियम को गलत ठहराया है, केन्ज ने बाजार नियम को, ठीक है, लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है, एक सेकेंड, विच वन ऑफ द अमंग द फॉलोइंग लॉ गिवन बाय जेबीसी प्रूव्ड फेल्स फॉल्स बाय द इकोनॉमिक्स केन्ज, यहाँ पर मांग लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वेलफेयर, यही रहेगा लॉ ऑफ मार्केट, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेज लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको उन्होंने गलत ठहराया, इन्होंने क्या कहता है कि सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, लेकिन उन्होंने 1929 में बताया कि इतना अगर पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती तो कभी भी ग्रेट डिप्रेशन नहीं आता। ठीक, अब आया है इसके बाद है 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन आपको क्या बताता है, इम्पोर्टेंट है ये, आपको बताता है यहाँ पर कि जो फ्रिक्शनल, देखिए जब फुल एम्प्लॉयमेंट में आपको बोलते हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई करो वर्टिकल होता, लेकिन तब भी यहाँ पर दो तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी बना रहता है, जो 5 से 5.5% रहेगा, फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्ट्रक्चरल जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब इकोनॉमी की जो टेक्नोलॉजी है, सारा सिस्टम अगर चेंज हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल। जब आपके जॉब की आदत होती है, छोटी मोटी जो भी मतलब प्रॉब्लम आती है उनके कारण से जो बेरोजगार रहते हो, या आपकी ऐसी हैबिट है कि आपको एक जॉब पसंद नहीं आती दूसरे में चले जाते हो, तो जिस टाइम पर आपको दूसरी जॉब ढूंढ रहे होते हो, तो उस टाइम पर क्या होगा, उसका संघर्षणात्मक या फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट बोलोगे। देखिए अब क्वेश्चन आंसर है कि जब वास्तविक स्किल घरेलू उत्पाद घटे ऐसा तो कुछ नहीं होता, जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति से जुड़ता है उसे काम मिलने में समय लगता है, ये देखिए प्रथम बार तो कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये आंसर रहेगा
उसे काम मिलने से, कि जो उसको टाइम पीरियड जो टाइम लग रहा है कि उसको जॉब तक जाने में, टेक्निक परिवर्तन होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। और ये कुछ नहीं है मैंने इंडिविजुअल रिटायर्स, ये कोई फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का कुछ पार्ट नहीं, क्योंकि अपनी जॉब पूरी कर चुका। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताता है, मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर, ठीक है। मांग वक्र देखिए, डिमांड ग्राफ देख लीजिए, ये डिमांड ग्राफ होता है। इसके हर पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी होती है ना, यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पर इन्फिनिटी होती है, यहाँ पर ग्रेटर देन वन होती है, बिल्कुल बीच में इक्वल टू वन होती है, यहाँ पर लेस देन वन होती है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक होती है, अगर आप देखोगे तो ऐसे हो जाएगा जब। देखिए तो इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग होती है इलास्टिसिटी। इसमें से किस प्रधानमंत्री द्वारा जो केसीसी है ना, तो उससे उस टाइम पर कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिस टाइम पर जो किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी, तो उस टाइम पर थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पर क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है कि भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी है, ट्राई, TRAI, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण शाखा संस्थापक स्रोत ने, इंस्टीट्यूशनल होते हैं जो फॉर्मल होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मल कौन कौन से है, इसके तीन है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। एक है प्राइमरी एग्रीकल्चर, इनकी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक होते हैं, ये इंडिजीनियस बैंकर नहीं होते, इनके जो देसी बैंकर होते हैं, आड़ती उड़ती उनकी बात नहीं होती, ठीक है ना। ये नॉन फॉर्मल में आ जाते हैं, इनफॉर्मल में आ जाते हैं, ना कि फॉर्मल में। उसके बाद हम बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की, तो वो करें कि फिस्कल पॉलिसी का कौन सा उद्देश्य नहीं है। अब देखिए, जो फिस्कल पॉलिसी है ना, उसके उद्देश्य की बात की गई है, उसके ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। तो इसमें देखिए, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में तो फिस्कल पॉलिसी बात करती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में भी, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के बारे में भी, ये नहीं करती रेगुलेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं काम करती किसी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करने का। अब उसके बाद हम बात करते हैं भारत में कृषि क्षेत्र के वित्त के लिए जो सर्वोच्च संस्था वो है नाबार्ड, ठीक है, क्या है, नाबार्ड। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्सेलरेटर की। देखिए, एक्सेलरेटर से पहले आपको मल्टीप्लायर का पता होना चाहिए। मल्टीप्लायर क्या कहता है, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में जो चेंज आएगा, ठीक है ना, ये मल्टीप्लायर है। और जो एक्सेलरेटर होता है ये है ना, जो मल्टीप्लायर होता है ना, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो एक्सेलरेटर है, त्वरक है, वो इंड्यूज इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंड्यूज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो या तो ऐसे बोला जाएगा कि कैपिटल आउटपुट रेशो, ठीक है, ये इसका उल्टा होता है, कि इनकम में चेंज होने से इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा, ठीक है ना, तो इन्वेस्टमेंट ऊपर चला जाता है, या इनकन्जम्पशन में चेंज होने से, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशो बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि नेट कंजम्पशन में जो चेंज हुआ है उससे इन्वेस्टमेंट में जो चेंज आएगा, या ऐसा बोलते हैं कि आउटपुट में चेंज होने से जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, जो मल्टीप्लायर होता है ना उसका उल्टा होता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताता है, ये देखिए कि जो ये आइसोक्वांट की बात की जा रही है, क्योंकि आइसोक्वांट आपने देखा कि यदि आइसोक्वांट है ऐसा तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, यदि ऐसा है तो जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो जीरो होता है। कॉनकेव आइसोक्वांट ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ पर तो MRTS कॉन्स्टेंट होती है, यहाँ पर क्या होती है, जीरो होती है, यहाँ पर इंक्रीजिंग होती है। तो सिर्फ ऐसा कौन सा कर्व है जो कॉन्टिन्यूस सब्स्टिट्यूबिलिटी
कैपिटल लेबलिंग कॉन्टिन्यूस सब्स्टिट्यूट होते रहे, सिर्फ ये आइसो क्वांट होगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ कॉन्वेक्स आइसो क्वांट करो, इसका हो जाएगा ये। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है आपको इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इस तरीके से कि समीशन ऑफ, यानी कि ये आपका सीरीज है, ठीक है, और ये मीन है, और ये पूरे का क्या है स्केयर है, और डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पर वैल्यू क्या दी गई है, वैल्यू दी गई यहाँ पर कि मीन जो आपका 6 है, ठीक है ना, और समीशन ऑफ जो एक्स है वो कितना 60 है, समीशन ऑफ एक्स स्केयर कितना आपका इतना है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले तो इसको सिंगल करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, उसके बाद इसको फॉर्मूले में रख के निकालोगे तो ये निकल आएगा और 8 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट चलते हैं कि दो वस्तुओं के बीच रूपांतरण की दर क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बात बताइए। दो वस्तुएं ये बात करें पीपीसी की, ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये जो MRT होता है ना, ये स्लोम, ये लिखा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये किसकी, एक्स एंड वाई, ठीक। इसका आंसर होता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर ये PPC, ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी होती है वो दी हुई होती है, फैक्टर के प्राइस क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और ये दो गुड्स की कॉम्बिनेशन को दिखाता है, और ये इसका स्लोप है, और ये बताता है कि यदि हम एक्स को इंक्रीज कर दें तो वाई को कितना डिक्रीज करेंगे, ये इसका स्लोप है। अब उसके नेक्स्ट चलते हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यानी कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना उसको कौन सा, जिसके द्वारा हम मेजर नहीं करते। तो देखिए इसमें क्या क्या है, इसके अंदर मोड है, मीन है, मीडियन है, लेकिन रेंज नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इतना ही करते हैं आज हम इस वीडियो को, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ यहाँ से मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप देखिए चाहे किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इकोनॉमिक्स में उसी सब्जेक्ट के उसी से रिलेटेड तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप ऑल ओवर जितनी भी इकोनॉमिक्स है उसको पढ़िए ढंग से, और ढंग से तैयारी कीजिए। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और यहाँ से आपसे किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।